दोस्तों, मैं आप सब लोगों से दो बात क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे ये कांस्टेबल जीडी 2018 रिगार्डिंग जो भर्ती चल रहा है, ठीक है, तो उसे लेके दो बात मैं सबको कहना चाहता हूँ। अभी देखो, ये सबको पता है कि मेरिट लिस्ट जो है वो एसएससी के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट की काम एसएससी के ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है। अभी भर्ती जो चल रहा है वो जिम्मेदारी है सीआरपीएफ के ऊपर, और अभी तक भर्ती पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आप सब लोगों को पता है कि री मेडिकल नहीं हुआ, कम से कम 42-45 हज़ार बच्चे री मेडिकल करेंगे। उसके बाद जो भी है, एक साथ ही होगा, एडिशनल कैंडिडेट का भी मेडिकल होना बाकी है, तो उनमें से किसी को अगर री मेडिकल मिलेगा, वो भी 15 दिन का टाइम लेकर, और बाद में री मेडिकल करवाया जाएगा। तो अभी भर्ती पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और दोस्तों जो है सब लोग बोल रहे कि मैरिट आएगा, मैरिट आएगा, ठीक है। अगर आ भी गया तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो होगा रीमेडिकल के बाद ही होगा, एक साथ सबका मेरिट आएगा। अभी कब आएगा ये किसी को नहीं पता। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी के द्वारा जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, घोषित होता है, वो पहले से 1-1.5-2 महीना आगे एसएससी का जो स्टेटस है रिजल्ट का, उसमें डाल देता है वो, ठीक है। 1-1.5 महीना आगे कि ये रिजल्ट ये डेट पे आने वाला है, ठीक है, तो उसी डेट पे आता है वो रिजल्ट। आप सब लोगों को पता है कि हम लोग सब एग्जाम दिए थे, कंप्यूटर बेसिस एग्जाम दिए थे, तो वो भी 1-1.5 महीना आगे स्टेटस रिपोर्ट में आ गया था कि कंप्यूटर बेसिस एग्जाम का, जीडी भर्ती का एग्जाम का डेट दे दिया था कि इसी डेट पे रिजल्ट आएगा, और उसी डेट पे रिजल्ट आया था, और बाद में आंसर की भी आया था। तो ये भी होगा कि जब मेरिट आएगा हम लोगों का, ठीक है, कम से कम 1-1.5 महीना आगे एसएससी के साइड में डाल दिया जाएगा कि जीडी भर्ती का फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल रिजल्ट इसी डेट पे आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को कम से कम 1-1.5 महीना आगे पता चल जाएगा ऑफिशियली, तब आएगा जाके मेरिट। और अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगस्त में मेरिट आएगा, लास्ट में आएगा, मेडिकल फिट वालों का आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आना होता तो एसएससी कब का बोल देता, और अभी मेरिट आके क्या काम है। मेरिट आने का मतलब है सबको ज्वाइनिंग देना। जब मेरिट आ जाएगा 15-20 दिन के अंदर में ज्वाइनिंग लेटर भेजना पड़ता है, तो ज्वाइनिंग करवा के ट्रेनिंग करना होगा। तो अभी इस स्थिति में कैसे ज्वाइनिंग करवाएगा, कैसे ट्रेनिंग करवाएगा, कुछ तो नहीं हो सकता ना। तो अभी जो है पूरा पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, तो अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी थोड़ा जब कंट्रोल में आएगा तब जाके भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा सीआरपीएफ की तरफ से। और ऐसा सूचना है कि अंदर डिपार्टमेंट से कि सितंबर में हो सकता है, सितंबर जो है अगस्त के बाद सितंबर में री मेडिकल वगैरह, मेडिकल वगैरह जो भी बचा हुआ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो सीआरपीएफ के द्वारा कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसमें चेंजेस हो सकता है, आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कैसा चल रहा है माहौल, ठीक है। तो ये सोच लो, और फालतू का बात लेके बहस करना बंद करो यार, सब ग्रुप में जो भी है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये भी कंफर्म करके दे रहा हूँ, कोई मेरिट वेरिट कुछ नहीं आएगी आपको, कोई भी कुछ भी बोल दे, ठीक है। अभी ऑफिशियली सोचो ना, अभी ऑफिशियली ओनली मैं सब लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ने भर्ती दिया है, पूरा कंप्लीट किया है, मेडिकल फील्ड वाले जो भी है उसको वेटिंग करना पड़ेगा। अभी री मेडिकल कैंडिडेट को भी री मेडिकल करना पड़ेगा। अब ऑफिशियली देखो ना, सीआरपीएफ एसएससी का वेबसाइट देखते रहो, वहाँ पे अपडेट मिलेगा कहाँ से क्या मिलता है न्यूज़। सब बोलते हैं या हुआ वो होगा, आपस में लड़ते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, चैलेंज लगाता है, बेट लगाता है, ऐसे नहीं है। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। हम सब लोग ही चाहते हैं कि जितना जल्दी हम लोगों का भर्ती कंप्लीट हो जाए, हम लोग ज्वाइनिंग कर जाए, हम सभी चाहते हैं, लेकिन आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, ये समझो। और ओनली ऑफिशियल न्यूज़ जो है एसएससी और सीआरपीएफ का वेबसाइट में डिक्लेयर किया जाएगा, वहीं पर विश्वास रखो, अदरवाइज ऑल आर फेक, मैंने बता दिया पहले आप लोगों को, ठीक है। और अभी ये जो मेरिट का मामला चल रहा था, मैंने आपको समझा दिया कि एसएससी के द्वारा जो भी रिजल्ट आता है वो कम से कम 1-1.5 महीने आगे वो स्टेटस रिपोर्ट में डाल देता है कि ये रिजल्ट ये डेट पे आएगा। तो इसी तरह जब मेरिट आएगा कम से कम 1-1.5 महीने आगे एसएससी डाल देगा अपने साइड में कि जीडी भर्ती का फाइनल मेरिट लिस्ट इसी डेट पे आएगा, और आप देख लेना उसी डेट पे ही आएगा, 1 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा रीमेडिकल के बाद ही होगा, ऐसे ही सूचना है डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब रीमेडिकल होगा उसके बाद सबका एक साथ ज्वाइनिंग मिलेगा, मेरिट होगा जो भी है, और ये होते होते ये साल पूरा बीत जाएगा, ठीक है। कम से कम दिवाली तक तो जाएगा ही जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि 2021 तक भी जा सकता है, ठीक है। और एक बात चल रहा था कि मेडिकल फिट वालों सबका सबका दोबारा मेडिकल होगा अगर 1 साल हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट सिस्टम में नहीं है ऐसा कोई रूल्स, अगर है भी तो ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से ऑल रूल्स ब्रेकअप हो जाता है। जो मेडिकल फिट वाले हैं वो निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपको ज्वाइनिंग 2020 में मिले या 2021 में मिले, आप लोगों का दोबारा मेडिकल नहीं होगा। बस जब आप आरसीडी में जाओगे रिक्रूट की तरह, तब आपका दोबारा एक हेल्थ चेकअप होगा जो भी है, कि आप ट्रेनिंग के लिए फिजिकली फिट हो या नहीं हो, जैसे कि मेजरमेंट वगैरह, बीपी वगैरह, शरीर में कोई हड्डी बड्डी टूटी तो नहीं, ऐसा कुछ होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
ठीक है। अब री मेडिकल का जो कैंडिडेट है उसको थोड़ा तैयारी से रहने का, जब री मेडिकल होगा होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको अगस्त के लास्ट तक नोटिस एडमिट कार्ड जो भी है वो देखने को मिल जाएगा सीआरपी को वेबसाइट में, ऐसा सूचना अभी है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने पूरा समझा दिया, बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे समझते हो, कैसे क्या करते हो, ठीक है। अभी वेट करो, सबको वेट करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई कॉल मॉल करके आटे बाटे लगा के वो सब करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। ट्वीट करके या पे चिट्ठी भेज के, वहाँ पे चिट्ठी भेज के, जो होगा अपने दिए हुए टाइम पे वक्त पे होगा, वो कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उनको पता है कि जितना जल्द हो सके इसे कंप्लीट करना है और न्याय बहाली को भी छोड़ना है, ठीक है।